बिटकॉइन ऑलमोस्ट रेडी है बड़े मूव के लिए। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करेंगे कि बिटकॉइन का क्या मूव रह सकता है विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। साथ ही साथ हम बात करेंगे इथेरियम, ट्रॉन और XRP के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। ओल्ड्स कॉइन के बारे में भी हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर क्रिप्टो करेंसी की अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर आपको फ्री सिग्नल्स एंड क्रिप्टो की न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती रहें। हमने अपने VIP चैनल की फरवरी मंथ की एंट्रीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा इस पेज का, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करने से पहले इस पेज को चेकआउट कर लेना कि आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या रिजल्ट रहा हमारा प्रीवियस इस मंथ का। तो अभी फरवरी मंथ के लिए एंट्रीज स्टार्ट हुई है, जहां पर आपको ऑल्ट्स कॉइन के सिग्नल मिलेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग के मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं कि जनवरी मंथ में हमारी जो एक्यूरेसी रही है स्पॉट कॉल के अंदर 100% एंड फ्यूचर्स कॉल के अंदर 90% एक्यूरेसी रही है, जहां पर जितने भी हमने सिग्नल्स दिए थे सारे के सारे टारगेट्स हिट हो गए हैं। अभी दो कॉल्स ओपन है जिसके कि फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अभी आपको बता दूं कि हमारे कुछ यूजर्स के फीडबैक हैं, वो आपको यहां पर हमने मेंशन किए हैं। हाइड की गई है उनकी आईडी, आप डेफिनेटली इनकी चेकआउट कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट। साथ ही साथ आपको हम यहां पर कुछ रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं, जहां पर आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। हम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं, यहां पर आपको पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट है जैसे कि जैसे दे रखे हैं। तो यहां पर भी एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है कि हमारे 100% एक्यूरेसी रही स्पॉट कॉल के अंदर, 90% फ्यूचर्स कॉल के अंदर। इसको आपको VIP ज्वाइन करने के लिए दो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना ही करना, ये रिक्वायर्ड टास्क है। आपका पोर्टफोलियो $100 से अबव होना चाहिए। अगर $100 के अंडर है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल भी हमसे कॉन्टैक्ट मत करना। एंड आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी यूजर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है, उनको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो लोग काइंडली ज्वाइन ना करें। आप पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखो, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो VIP की फीस रखी है हमने, एक मंथ की $30 है। 6 मंथ का अगर आप पैकेज लेते हो तो $125 है। अगर आप 1 ईयर का लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1 ईयर का आपको सिर्फ और सिर्फ $200 में मिल जाएगा। अभी हम आप पेमेंट के बता देता हूं कि पेमेंट किस तरह से। तो आप ट्रॉन का USDT एड्रेस है तो इस पे भेज सकते हैं, आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी। अगर आप इथेरियम या इथेरियम वाला USDT भेजना चाहते हैं तो ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर आप UPI करना चाहते हैं तो आपको ये UPI ID मिल जाएगी। आप नेम वेरीफाई जरूर से कर लेना, और आप जब भी आप पेमेंट करो उसके बाद में आप हमें स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन आईडी भेज देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो इस आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा BTC के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रे स्केल यहां पर काफी बड़े अमाउंट के अंदर रेगुलरली बिटकॉइन बाय कर रहा है। एवरी डिप के अंदर ये बिटकॉइन बाय करते जा रहा, जो कि काफी अच्छी बात भी और एक तरह से बुरी बात भी है कि एक ब्रांड इतने अमाउंट के अंदर बाय कर रहा हो तो आगे जाके एक कंट्रोल कर सकता है पूरे मार्केट के ऊपर, और अगर कुछ भी बैड न्यूज आती है तो डेफिनेटली पूरे क्रिप्टो मार्केट को हिला सकता है। तो ऐसी न्यूज को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और इन लोगों के लिए एक्चुअल में क्या है कि जो करंट में बिटकॉइन का प्राइस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक लॉन्ग टर्म विजन से चलते हैं, लाइक 5 साल 6 साल। तो आने वाले टाइम के अंदर तो आप सभी को पता ही है काफी अडॉप्शन है क्रिप्टो करेंसी का, और आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली बड़ा बूम आएगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बट शॉर्ट टर्म में अपन देखें तो कुछ करेक्शन पॉसिबल है। तो ये लोग क्या है कि अगर डाउन भी आता तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बाइंग कर लेंगे, क्योंकि इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर बिटकॉइन टॉप के अंदर डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है, जहां पर ये 2 बार लोअर हाई बना चुका है। ये वाला जहां से ये रिजेक्ट हो चुका है, ये वाला लोअर हाई, ये वाला लोअर हाई, जहां पर ये रिजेक्ट हो चुका है। तो अभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये प्राइस ड्रॉप हो जाए, क्योंकि यहां पर देखिए अभी करंट के अंदर जो पॉसिबिलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। करंट के अंदर प्राइस चल रहा है $31,430। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो लास्ट की कैंडल थी 4 घंटे की, वहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पे एक डिमांड जोन के अंदर आया, जो कि एक जो ट्रायंगल है इसका सपोर्ट जोन पे आया, और यहाँ से एकदम से बाइंग हुई है। अगर यहाँ पे प्रॉपर वेल्स की बाइंग हो चुकी है तो डेफिनेटली ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, अगेन यहाँ पर आता है और यहाँ पर कोई क्लोजिंग इस ट्रायंगल के नीचे होती है तो मार्केट में भी करेक्शन ले सकता है, और फुल कन्फर्मेशन अपने को यहाँ डिमांड जोन को ब्रेक करने के बाद मिलेगा। अगर इस डिमांड जोन को अराउंड 28,000 को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों के अंदर 22,000 से 23,000 पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर हैवी डिमांड जोन है 28,000 से लेकर 30,000 के आसपास, तो इस लेवल को आपको डेफिनेटली वॉच आउट करते रहना चाहिए। अभी किसी भी तरह की कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है, क्योंकि अभी पूरी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि डाउन आने की, बट यहाँ पे हैवी
डिमांड जोन है। ठीक है, अगर काफ़ी डिमांड जोन रहता तो डेफिनेटली इसको वापस से पुशअप कर सकते हैं और इसका टारगेट वापस से ये 41,000 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर एक्यूमुलेट करता है इस ट्राइंगल के ऊपर जो रजिस्टेंस है इसके ऊपर, तो डेफिनेटली आपकी एक लॉन्ग पोजिशन हो सकती है और आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को अगर BTC बाय करना तो थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं और आपको यहाँ पर डीप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम यहाँ पर वापस से हार्ड रिजेक्शन हुआ है रजिस्टेंस से और इसकी कोई भी 4 आवर या 1 डे की क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई इस रजिस्टेंस के ऊपर 1450 के ऊपर। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर डाउन आने की कोशिश कर रहा है और अगर करेक्शन आता है बिटकॉइन के प्राइस में तो ये भी आपको काफ़ी डीप में मिल सकता है। तो अभी वेट करना चाहिए। अगर आप दो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर ड्रॉप हो जाता है तो आपको $800 के आसपास ईजिली मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पंप होता तो आप यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डेफिनेटली एंटर हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकता है। टेक्निकल एनालिसिस अभी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेक करेगा इस लेवल को, जो रेजिस्टेंस लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पे 4 आवर या 1 डे की क्लोजिंग ऊपर होगी तो यहाँ पे काफ़ी बाइंग आएगी, तो यहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे देगा। बट जिस हिसाब से अभी चल रहा है करंट प्राइस, उसमें एंटर होना काफ़ी रिक्स है। तो अभी एंटर मत हो, थोड़ा सा वाच करो मार्केट को कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, बिटकॉइन क्या मूव लेता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिटकॉइन के मूव का। और अगर आपने इथेरियम को बाय कर रखा है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हाई प्राइस पे बाय कर लिया तो आप सेल मत करो। आने वाले टाइम के अंदर आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डर है तो किसी भी टेंशन, आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, चाहे XRP बाय किया, इथेरियम बाय किया। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो डेफिनेटली उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं और साथ ही साथ इथेरियम का तो काफ़ी ज़्यादा अडोप्शन बढ़ने वाला है और आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली एक बड़ा मूव इथेरियम के अंदर आएगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो फिर इथेरियम रुकने वाला नहीं, इसका टारगेट अनलिमिटेड होने वाला। कोई भी यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि 2000 जाएगा, 3000 जाएगा या 4000 जाएगा। बट ईजिली यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता तो ईजिली आपका $2500 से लेकर $3000 तक का टारगेट हो सकता है। तो इसीलिए इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है इसको, क्योंकि अगर ब्रेक करता तो पूरा का पूरा इथेरियम का सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको वाच करते रहो। अगर ये ब्रेकआउट होता तो भी एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपने बाय कर रखा तो आप कोई दिक्कत नहीं, 800 पे भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 800 पे आता तो कुछ फंड रेडी रख के आप 800 में भी डीप बाइंग कर सकते हैं, जहां पे आपकी एवरेज बाइंग हो जाएगी। जहां पर वीकली कैंडल की भी बात करें इथेरियम की, तो वो भी अनेबल रहा उसको ब्रेक करने के लिए रेजिस्टेंस को, और यहां पर नीचे की तरफ ही इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग हुई है। अभी ट्रॉन की बात करें तो ट्रॉन का हमने सिग्नल भी दिया था 2 से 3 बार, जो कि 80 से लेके 77-87 के बीच में था, जहां पर हम अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। और हमने कल भी एक सिग्नल दिया था जो कि अराउंड 95-87 पे था। उसके बाद में बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया, जिस वजह से यहां पर ट्रॉन और अदर जितने भी करेंसीज थे उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। बट अभी के लिए प्राइस चल रहा है 91 से लेके 92 के बीच में। अभी कोई ज्यादा रिस्क नहीं है इसके अंदर, आप डेफिनेटली इसके होल्ड कर सकते हैं ट्रॉन को, और आगे जाके आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ट्रॉन का हमने पहले भी 2-3 बार सिग्नल्स दिए थे, उसके बाद में ये जो प्राइस गया था इसके पहले भी हमने सिग्नल दिया था अराउंड 287 पे, और फिर ये 450 भी गया था। तो आप होल्ड कर सकते हैं, मिड ट्रिम कॉल था ये, शॉर्ट ट्रिम नहीं है। अगर BTC डंप होता तो डेफिनेटली इसके अंदर भी डंप आएगा, बट शॉर्ट ट्रिम आएगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। मिड ट्रिम आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। अभी बात करें XRP की, तो XRP यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, जहाँ पर एक सपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि 0.22 का यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर अगर टच करता है और यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप डीप बाइंग कर सकते हैं अगर थोड़ा सा डाउन आता। अगर BTC डंप हो जाए तो आपको इजीली ये यहाँ पर मिल जाएगा इस सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर आप इसको पकड़ सकते हैं और यहाँ आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आने वाला टाइम के अंदर ये भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस वापस से एक बाउंस बैक कर रहा है, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है बिटकॉइन के अंदर कुछ बड़ा मूव आ सकता है। तो अगर बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप होता है या पंप होता है बिटकॉइन, तो ये इसको वापस से इस जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको टच करेगा। जैसे ही यहां पे टच करेगा तो बिटकॉइन एक सपोर्ट लेगा, लाइक कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से अगर रिजेक्शन मिले या फिर यहीं एक्यूमुलेट करे तो ये वापस से ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। या फिर अगर बिटकॉइन ड्रॉप होता और यहां पे आता तो एक सपोर्ट है काफी हैवी, तो इस सपोर्ट पे ये रुकेगा काफी दिन तक, तो यहां पर अल्टकॉइन के अंदर वापस से बूम देखने को मिलेगा और यहां से रिजेक्ट होकर वापस इस जोन में आ सकता है, जहां पर बिटकॉइन काफी दिन तक एक लेवल पर ट्रेड कर सकता है साइडवेज, जिससे कि आपको अल्टकॉइन के अंदर काफी अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो आप अल्टकॉइन के अंदर अभी एंटर हैं तो डेफिनेटली उसको
उसको होल्ड कर सकते हो। जो ऑलरेडी पंप हो चुके उसके अंदर बिल्कुल भी ट्राई भी मत करना कि एंटर होने की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है उसके अंदर एंटर होना। क्योंकि अगर आप उसके अंदर हो गए और आप बिटकॉइन डंप हो गया, तो आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कि ना तो आपको बिटकॉइन बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना ही आप डिप के अंदर कॉइन्स बाय कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी मत करो। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉइन्स होल्ड है तो उसको होल्ड करके रखो, डीप में जितना भी आता है उसके अंदर आप बाय करते रहो, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये ड्रॉप होता है सपोर्ट लेवल से बिटकॉइन डोमिनेंस, तो एक बड़ी मूव आएगा अर्थ कॉइन के अंदर, तो आप बहुत शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप वॉच करते रहो, हम रेगुलरली आपको जो भी अपडेट्स रहेगी वो कंटिन्यूस आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।